यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे आप सब लोग? बेटर सर, बेटर कैसे हो सकते हैं? आपको मालूम है सर हमारा 29 तारीख को पेपर है? जी बिल्कुल मालूम है। और मैनेजमेंट वाले बच्चों का सर 30 तारीख को पेपर है? जी बिल्कुल मालूम है। और सर आज मालूम है क्या डेट है? क्या डेट है? आज है सर 27 तारीख। ओके। और सर एडमिट कार्ड अभी तक हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो है रिलीज ही नहीं हुए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी 27 तारीख को सुबह जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो एनटी के द्वारा जारी किया गया और उसके अंदर ये बोला गया कि हम लोग, मैं दिखा देता हूं एक बार, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर, ये देखो ये है ना, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 29 सितंबर, ठीक है, जून दो, एक तो जून वाला 22 साइकिल का और दिसंबर वाला 21 साइकिल का। इसका मतलब 29 सितंबर को जो पेपर होना है, बेसिकली जो बड़ा पेपर है वो हमारे कॉमर्स का है, तो उसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। ओके, तो ये जो इन्होंने ये डाल दिया, अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा आपका। 26 सितंबर बता रहा है, तो नोटिस का डेट जो है वो क्या दे रहा है? 26 सितंबर। पहली बात तो नोटिस जो है 26 सितंबर को नहीं आया, 27 सितंबर को सुबह आया है 9:10 बजे, ठीक है, एक तो ये। अब इसके अंदर जो है वो क्या बोल रहा है, देखो, बोलता है जो 29 तारीख को पेपर होना था उनके एडमिट कार्ड जो है वो आज हमने जो है वो क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है वो ये लिंक दे रखा है, इस पर आप जाके क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर ये वो आप डालोगे तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जब आप ये अपनी इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो एडमिट कार्ड जो आपके सामने आएगा, कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड ऐसा आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 29 तारीख को आपका पेपर है, ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपका सेंटर है और ये आपकी शिफ्ट है। सब कुछ दे दिया भाई, शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है ये बता दिया, पेपर कहां पे है ये बता दिया। लेकिन कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जो ओपन हो रहा है, वो एडमिट कार्ड तो ओपन हो रहा है लेकिन वहां पे ये सब कॉलम जो है वो ब्लैंक है। दैट मींस कि कोई भी, ना तो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दे रहेगा कुछ भी नहीं, और बल्कि नीचे ये बोल दिया कि आपका पेपर कब होगा तो वो बताएंगे आपको बाद में, ठीक है, मतलब आपका जो डेट एग्जामिनेशन का वो आपको बाद में जो है वो बताया जाएगा। मतलब जिन बच्चों का पेपर 29 तारीख को होना था, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबका पेपर 29 को होना था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे नीचे एक क्लोज डाल दिया और वो क्या बोल रहे हैं, देखो, बोलता है इन केस अगर कभी ऐसा है कि सम ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, जिन्होंने कॉमर्स के लिए क्या किया था, ऑप्ट किया था, उनके एडमिट कार्ड के अंदर अगर डिटेल जो है सेंटर के रिगार्डिंग अगर उसमें लिखा हुआ है टू बी विल बी रिलीज लेटर, कि ये सब बताया जाएगा बाद में, तो उनका जो एग्जाम है उसका शेड्यूल किया जाएगा आफ्टर 30 सितंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स का पेपर तो होगा अभी, बोले तो 29 तारीख को मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में, और कुछ बच्चों का पेपर जो है वो होने वाला है 30 तारीख के बाद में। सर ये क्या मतलब है सर? ये तो इन्होंने तो नहीं बताया, इन्होंने तो पहले ये बोला था कि कॉमर्स का एग्जाम जो है वो 29 और 30 को होगा, 29 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होगा, और जो मैनेजमेंट का पेपर है वो आपका 30 तारीख को होगा। जी बिल्कुल यही बोला था। तो सर ये क्या ब्लंडर कर दिया इन्होंने, ये हमें भी नहीं पता भाई इन्होंने क्या कर दिया। पेपर होना था 29 तारीख को ही सभी स्टूडेंट्स का, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स है उन सबका पेपर 29 को होना था, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिट कार्ड मेरे सामने आया तो मैंने वहां पे ये देखा कि कुछ का तो है उसने सब कुछ दिया हुआ है और कुछ के एडमिट कार्ड के अंदर जो है वो कुछ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन शो नहीं किया, उसको ब्लैंक किया, और बाद में इन्होंने फिर क्या कर दिया, ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया। आप किसी भी साइड पर आप जाइए, एनटीए का साइड पर जाइए या यूजीसी की साइड पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो नोटिस है ये आपको ये दर्शा रहा है कि कॉमर्स के बच्चे उनका पेपर जो है वो होना है कब, 29 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट का, और कुछ बच्चों का पेपर होगा 30 के बाद में, वो नहीं पता कि 30 बाद में किस डेट को होगा और 30 के बाद में कितने बच्चों का होगा। तो ये कहानी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं आप जल्दी से जाइए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां पे जाके आप देखो कि आपका एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। अगर तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 29 को पेपर है मॉर्निंग है इवनिंग शिफ्ट में, तो भैया आपको जाना है, एडमिट कार्ड जल्दी से आप निकलवाओ, ठीक है ना, और अपना तैयारी पे लग जाओ। लास्ट मोमेंट की जो आपने एक दो दिन में तैयारी करनी है पूरा एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से करो, और साथ में रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमने डाली हुई है, वहां पे जाके आप देख लो। और अगर मान लो कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड के अंदर ये सब जो कॉलम है वो सब ब्लैंक है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है टू बी अनाउंस लेटर, तो आप समझ जाओ कि आपका पेपर जो है होना है अब 30 तारीख के बाद में। तो यहां पे कहानी जो है वो निकल के क्या आ रही है कि एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं बट सबके रिलीज नहीं हुए हैं, तो एग्जामिनेशन की जो डेट है कॉमर्स वालों की वो 29 ही नहीं है, 29 तो है और 29 के अलावा भी 30 के बाद भी कुछ डेट जो है वो दी जाएंगी, अभी नहीं पता, वो फ्रेश नोटिस है वो जारी करेंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वही बात है, आप
कुछ कर नहीं सकते इनका, कुछ नहीं। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है कि 27 को जो है वो ये दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और बोलते हैं कि हमने 26 को, ऊपर डेट देख लो आप, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ 26 सितंबर 2022, लेकिन दिया है कब 26 को, तो कोई नोटिस नहीं है। 27 तारीख को सुबह नोटिस इन्होंने जो है वो जारी कर दिया, पेपर है 29 तारीख को। अब बताया इन्होंने सिटी ऑफ जो कहां पे आपका पेपर होना है, अब कैसे बच्चे तैयारी करेगा और कैसे जाएगा, क्या प्रावधान करेगा, कुछ नहीं पता अभी, सब कुछ भगवान भरोसे है। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा, आप जाइए और जाके सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो कब है। और 30 तारीख को जिनका पेपर है मैनेजमेंट वालों का, उनका नहीं आया अभी कुछ भी, तो तुम परेशान मत हो ना। तो ये सब है 29 तारीख को जिनका कॉमर्स का स्टूडेंट, कॉमर्स के जो पेपर है उन बच्चों के लिए। 30 के लिए क्या होगा अभी कुछ नहीं बताया, हालांकि वो भी 2 दिन के बाद ही पेपर है, लेकिन कुछ भी अभी तक नोटिस है वो जारी नहीं किया गया। बट ठीक है, भगवान का नाम लो और अपना तैयारी त्यूरी करते रहो। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस ज्यादा रखिए। अब ये लास्ट टाइम पे सब चीज के पूरा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के एमसीक्यूज मैंने डाले हैं टेलीग्राम पे भी, एक दिन पहले मैंने कल मॉर्निंग में वीडियो मैंने डाला था कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स का, वो जाके जरूर देख लेना, उसके अंदर सारे बढ़िया वाले एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं, बहुत हेल्प मिलेगा उससे आपके एग्जाम के अंदर। और दूसरा पेपर नंबर 1 के हर यूनिट के यूनिट वाइज एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, वो आप देख लो, इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार जो है वो पीडीएफ जरूर देख जाना, उसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सब कुछ डाला हुआ है, तो आपसे आपको जो है उससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके जी, तो अब जिन बच्चों का एडमिट कार्ड में ब्लैंक आ रहा है तो परेशान मत हो बारी बारी, ठीक है ना, कि हाय हमारा क्यों निकल रहा, हमारा क्यों निकल रहा। भाई तुम्हारा इसलिए निकल रहा क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है वो कब होगा, 30 के बाद में, कब होगा 30 के बाद होगा, लेकिन किस डेट को होगा अभी नहीं पता, वो बाद में जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके जी सर, चलो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था, लगे रहो तैयारी के ऊपर, जिनका पेपर 29 को है वो भी लगे रहो, और जिनका 29 के बाद में है वो भी लगे रहो, और मैनेजमेंट वालों तुम्हारा पेपर जो है 30 तारीख को होना है, अभी तक लग रहा है, तो बाकी शाम तक जो है शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कल ही आएगा तुम्हारा भी, ठीक है ना, तो कोई नोटिस आ जाएगा तो पता चलेगा कि आपका पेपर जो है कब है और एडमिट कार्ड का क्या सीन होने वाला है। ओके जी सर, चलो लगे रहो तैयारी पे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।